तो मैं इस वक्त इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बराए करम चंद लम्हात के लिए माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बहुत ही खूबसूरत बयान, अपने बहुत ही खूबसूरत खिताब से और अपने लफ्जों से हम सब की रहनुमाई फरमाएं। आज के मेहमान खुसूसी, आज के सदर आली वकार और महमूदाबाद और बिलहरा के इलाके के लोगों के दिलों की धड़कन, राजा साहब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अली खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने खिताब से नवाजें। आप सबको सलाम और दिल से प्रणाम। मैं अव्वलन तो माजरत चाहता हूं कि ताखीर से पहुंचा और ये एक रस्म बन गई है कि जो मंच पर उपस्थित लोग होते हैं उनका नाम लेके आगाज़ किया जाता है। बड़ी संजीदा भी बातें हुई, दिल को हल्के करने वाली भी बातें हुई और मैं मुश्ताक खान साहब को और उनके साहबजादे सायम खान और मंसूर खान और इरशाद, जिन लोगों ने बहरहाल कोशिश करके मुझसे बात की, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और ज़ाहिर शुराए किराम तशरीफ़ फरमाएँ। ज़्यादा समा खराशी मकसूद नहीं है नदीम साहब जी, और ज़ाहिर है कि आप लोग सब बेचैन होंगे। बाकी शोरा हमारे बुज़ुर्ग सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ आपने जो बातें कहीं जी, उनकी झैल में कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। कुरान पाक में एक पूरा सूरा है, सूरह शुआरा। शुआरा शायर की जमा जी। और अगर आप उस सूरे को पढ़ें, उसकी तिलावत करें और उस सूरे की आखिर की जो आयत हैं उनको पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको आगाह, मुतनब्बे और मुतवज्जेह करता है शुआरा से जी। अल्लाह कहता है सुब्हानहू ताला कि ये वो लोग हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको लोग अंधे होके उनके पीछे चलते हैं। गाउन का नाम जी का लफ्ज़ है, लेकिन फिर वहाँ इस्तिस्ना कर दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वगैरह पूरी आयत है, इस वक्त पढ़ना मकसूद नहीं है। शायर हर किस्म के होते हैं बेशक, लेकिन असल शायर वो होता है जो दिलों को जोड़ता है। बेशक बेशक बेशक। असल शायर या शायरा वो होते हैं जो दिलों को जोड़ते हैं। मौलाना रूम की मसनवी के दो शेर हैं। एक चराहा था, वो एक भेड़ के बच्चे को गोद में बैठे बैठे सहला रहा था और वो कह रहा था, उस भेड़ के बच्चे से मुखातिब होकर कह रहा था कि ऐ अल्लाह, अगर तुम इस भेड़ के बच्चे जैसे होते तो हम तुमको सहलाते, तुम्हारी कंघी करते, तेल लगाते, मालिश करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और मग़लूबुल ग़ज़ब तो थे ही जी, डांट दिया। जब डांटा और वो डर गया तो गैब से सदा आई कि तू बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी। वाह, ऐ मूसा, तुम लोगों को जोड़ने आए हो, लोगों को बांटने नहीं। कहने का मकसद क्या है? देखिए, जिस ज़र्फ में आप एसिड, आप लोग सब जानते हैं जो बैटरी में रखी जाती है जी जी, जिस चीज़ में आप एसिड रखिएगा वो ज़र्फ भी जो है रफ्ता रफ्ता गल जाएगा। बेशक, अगर इस दिल में जो अल्लाह का घर है, ईश्वर का घर है, इसमें अगर आप बोक्स रखिएगा, कीना रखिएगा, नफरत रखिएगा तो धीरे 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 ये दिल भी उसका शिकार बन जाएगा। बेशक बेशक बेशक। ये अल्लाह का घर है, अरे बाबा, इसकी मुहाफिजत ज़रूरी है। क्या तबलीग हो रही है? तो कहने का मकसद ये है, तबलीग मकसद नहीं है। और जाहिर है कि जो हालात हैं वो हैं, जो हालात आपके सामने हैं वो हैं, शायर की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है बेशक। और ये बड़ी संगीन मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीद ये है कि आप इस वक्त जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और बुजुर्ग भी हैं जो शायरी करने की तमन्ना करते हैं वो इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। यानी अल्लाह इस बात की गवाही बल्कि इस बात को ऐलान कर रहा है कि शायर एक ऐसा शख्स होता है जो पूरी पूरी कौमों को माफ करिएगा लेकिन कुरान की बात मैं दोहरा रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। शायर के अल्फाज में इतना दम होता है कि पूरी कौम को गुमराह कर सकता है। तालियां इस पर कम ही बचेंगी क्योंकि देखिए हुजूर की हदीस है, अत्तकन्नास मन क़ाल अल हक़ फ़ीमा अलैहि फ़ीमा लहू व अलैह। सबसे मुत्तकी और परहेजगार मोमिन शख्स वो होता है जो हक बात करता है चाहे वो उसके खुद की जाती मफाद के खिलाफ क्यों ना। हक की बात कड़वी होती है। बाज़ वक्त जो है बौखल साहब की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बाज़ वक्त संजीदगी से भी बात सुन। तो चुनांचे मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तो मुश्ताक खान साहब ने जिन शुरा को बुलाया है वो सब जिम्मेदार है। तो शुरा की एक और शायर की एक ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है और आप जो सामेईन हैं आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि जो तबलीग आप तक के पहुँचे शुरा के कलाम से उसको अमली तौर से अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएं। अगर ये काली काली घटाएं और ये आंधियां चल भी रहा हो तो डरिए मत, नाउमीद ना होइए, क्यों ना मुसीबत का सामना कर पाओ। याद आप देखिए जो भी बड़े बड़े वली गुजरे, पैगंबर गुजरे, संत गुजरे, आज तो उनका एहतराम है लेकिन उनकी जिंदगी जब आप देखिएगा तो बड़ी मुश्किलों मुसीबतों में जिंदगियां गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लीजिए, मक्के का वो ज़माना सोच तसव्वुर कर लीजिए जब छोटे छोटे बच्चे इसी उम्र के बच्चे हुए होंगे और नौजवान हुए होंगे जो बहुत आसानी से लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। कंकर मारते थे, पत्थर मारते थे और आप क्या करते थे? आप दुआ देते थे। तो आपने नज़ीर साहब जो बात कही कि आग को पानी से बुझाया जाता है, नफरत से अगर लड़ना है तो मोहब्बत के जरिए लड़ना है। बेशक गले लगाइए, आप खुद मुतालिया कीजिए। श्रीमद भगवद गीता भी इसी चीज का दर्श देती है। श्रीमद भगवद गीता जी का 32वां श्लोक, छठा अध्याय 32वां श्लोक। कुरान का हवाला मैं दे चुका, अब गीता का भी हवाला सुन लीजिए। छठे अध्याय का 32वां श्लोक है, उसमें अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि असल योगी की पहचान क्या है। अब आप लोगों के जहन कहीं और जा रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, गीता की बात कर रहा हूं। सही बात। संजीदगी से सुनिए। बेशक। अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि असल योगी की पहचान क्या है। कृष्ण जी कहते हैं सुनो, असल योगी की पहचान यह है जो औरों के दुख में अपना दुख महसूस करे। वाह, असल योगी की पहचान यह है जो औरों के सुख में अपना सुख महसूस करेगा। वाह। और आखिरी पहचान ये गीता है, मैं मेरे अल्फाज नहीं है। असल योगी वो है जो औरों के सुख में अपना सुख महसूस करे, औरों के दुख में अपना दुख महसूस करे और हर जीवित चीज को समता की दिशा से देखे। वाह वाह। यानी छोटे भाई बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके लिए आसान करके सुख और दुख की बात तो समझ गए। यानी जो भी चीज़ जो बड़े दकीक अल्फाज में कहेंगे अल मुतहर्रिक बिल इरादा, यानी जो जिंदा चीज़ हो, चाहे वो पेड़ हो या चींटी हो या इंसान हो या हाथी हो, हर चीज़ को बराबरी की नज़र से देखते, ये योगी है। ये श्रीमद् भगवद गीता जी का पैगाम है। लिहाजा मुसावात, उखुवत, मोहब्बत, इत्तेहाद, ये सब पहचान होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की यही पहचान रही है और हमको इस बात का फ़ख्र है कि ये जो हमारे इलाके हैं, ये हमारा जो वतन है, महमूदाबाद है, बिलहरा है, इसने हमेशा जो पैगाम दुनिया को दिया है वो इत्तेहाद का दिया है, तकरीब बैनुल मज़ाहिब का दिया है। तो चुनांचे इसका रास्ता एक ही है। मैं बहुत वक्त ले चुका हूँ, ये सब बातें तो किताबी बातें थी। सियासतदान आएंगे और जाएंगे, सियासतदान से मजहब की बात कभी ना सीखिएगा। मजहब को सीखना है तो उनके पास जाइए जो असल योगी हैं, जो संत हैं, जो वली हैं, जो उलमा हैं। बेशक नेताओं के पास मजहब का कोई खजाना या कोई उनके पास जखीरा ऐसा नहीं है जो आपके जहनों को बेदार कर देगा। क्योंकि बहरहाल मुल्क की दास्तां यही है, मजरूह तेरे काफिले की दास्तां ये है, और ये हकीकत है, और ये किसी एक तबके की तरफ इशारा नहीं है। मजरूह तेरे काफिले की दास्ता ये है, रहबर ने मिल के लूट लिया रहजन के साथ। वाह, तो हकीकत ये है। और भले आपको दुश्मन नजर आ रहे हो हर तरफ, इनकलाब आसमां से क्यों ना हो उलझन मुझे, मैं पुकारूं दोस्त को आवाज दे दुश्मन मुझे। वाह, आपको मुमकिन है ऐसा महसूस हो रहा हो, लेकिन मायूस ना होइएगा। मायूस इसलिए ना होइएगा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ला हौल वला कुव्वत। आप एक दफ़े सलावात पढ़ें जो पढ़ सकते हैं, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के शाम गम, इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। शाम गम लेकिन ख़बर देती है सुबह ईद की। देखिए, नाउमीदी कुफ्र के मुतरादिफ है। बेशक नाउमीद बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद। वाह 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 वाह। तो अपने हौसले बुलंद रखिए। और मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, ये शेर फिर पढ़ दीजिए एक बार। अरे क्या कहना, क्या कहना। इस पूरी तकरीर का खुलासा है इस एक शेर में। वाह, जबरदस्त। शाम गम। अब आपने ये फरमाया है तो उससे पहले एक दूसरा भी शेर जी ज़हन में आ गया, आखिरी बात है। जिस जेल में मैं बात कर रहा था, देखिए नेता के पास मजहब या धर्म का दर्स लेने ना जाइएगा। नेता, देखिए हमारा ख़ानदान उसने हुक्मरानी की, हकीकत है। ये जो महल हैं, ये किले हैं, ये प्यार और मोहब्बत से नहीं बने। जहाँ बड़ी दौलत है उस दौलत की बुनियाद में नाइंसाफ़ी है। मैं खुद कह रहा हूँ, क्या है ये, है सच्चाई, ये है सच्चाई, ये है सच बोलना कितना मुश्किल है। ये किले जो हैं, ये हवेलियाँ जो हैं, ये बड़े बड़े महल जो हैं, ये अमीरों ने तो अपने हाथ से बनाए नहीं। कोई शोर ये तो पूछे दरोबा में खुसरवी से, कोई शोर ये तो पूछे दरोबा में खुसरवी से कि है किसके खून से रोशन ये चराग कचकुला। मुझे तो यकीन है कि इस वक्त यहाँ भटवा माऊ में, इस वक्त यहाँ मुझे यकीन है कि भटवामाओं में ऐसे तमाम लोग इस मजमे में बैठे होंगे जिनके अजदाद ने ये जगहें बनाई और आज उनका नाम नहीं मालूम। ये अफसोस की बात है। इसको हम और आप मिल के बदल भी सकते हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया। ज़माने में ऐसी चीज़ें भी बदल गई जिससे बाज़ चीज़ें नहीं बदलना चाहिए। बहरहाल वो दूसरी बात शुरू हो जाएगी, लेकिन जो असल बात थी कि हुक्मरान हमेशा बांट के हुकूमत करता है। जी, मेरे दादा का शेर है, अंग्रेज़ों से मुखातब थे, अंग्रेज़ों के जगह पर, जिसके बारे में आपको सोचना चाहे वो आप सोचें कि ए अहले फिरंग औज पर किस्मत है तुम्हारी, ए अहले फिरंग औज पर किस्मत है हमारी, ए अहले फिरंग अंग्रेज औज पर किस्मत है हमारी, हम आशिक़ इस्लाम हैं, जन्नत है हमारी। सुनिए, तुम में से हर एक साहिब सद इल्म व अमल है, तुम में से यानी अंग्रेज, तुम में से हर एक साहिब सद इल्म अमल है, तुम में से हर एक रहबरे अक़वाम व मिलल है, आबरू पर तुम्हारी खमे शमशीर का बल है, और हम हैं कि आपस में वही जंगो जदल। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि नेता आपस में लड़वाते हैं, क्योंकि नेता ना अल्लाह की इबादत करते हैं ना भगवान को पूछते हैं, नेता फकत सत्ता की परस्तिश करते हैं। क्या सच्ची बात है, क्या सच्ची बात है, वाह वाह वाह। और सत्ता एक ऐसा नशा है और सत्ता एक ऐसा खुदा है जिसका चस्का एक दफ़े लग जाता है तो आदमी अपने उसूल, विचार, धर्म, मजहब सब भूल जाता है, मुनाफिकत पर दोगलेपन पर उतर जाता है। वो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है। हज़रत अली का कौल है, अलमुनाफिक कौलुहुल जमील व फ़अलुहु दाअद दखील। मुनाफिक यानी दोगला वो होता है जिसकी बातें बड़ी मीठी होती हैं लेकिन जिसका फेल समाज में बीमारी पैदा करता है। वाह वाह वाह। लेकिन आपकी उम्मीद की किरण क्या है? ये सब शोहरा जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका पैगाम सुनिए, हौसले बुलंद रखिए। शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की। वाह वाह वाह। शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मते शब में नजर आई किरण उम्मीद की। आप ही लोग वो किरण उम्मीद की हैं जिससे इस देश का, इस हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। वस्सलाम अलैकुम।